और ये सामने बिल्डिंग है। हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और मैं अभी आ गया हूँ छत पर। तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर मौसम है क्योंकि दो तीन दिनों से बारिश हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर मौसम हो गया है। और आज का प्लान हमारा एनडीटी पार्क जाने का, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। तो चलते हैं एनडीटी पार्क और मैं रेडी हो चुका हूँ, बस शर्ट चेंज करनी है। और यहाँ देखिए आप, गौतम बुद्ध की मूर्ति बहुत बड़ी, काफ़ी जगह में मूर्ति लगी हुई है और काफ़ी सुंदर है। चारों दिशाओं में चार मूर्ति है एक ही साथ, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। I'm messed up in the worst way. Don't feel like I could take on the world and make it better. यहाँ की बिल्डिंग देखिए, तो काफ़ी सुंदर बिल्डिंग है और ये चार मूर्ति गोल चक्कर है। तो यहाँ घूमने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। यहाँ काफ़ी सुंदर पार्क है, मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि पिछले ब्लॉग में दिखाया था मैंने बरौला का पार्क सेक्टर 49 में, और आज आया हूँ मैं एनडीटीवी पार्क, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो हम आ चुके हैं अंदर और ये हैं नितिन भाई। तो अब यहाँ अंदर आए तो यहाँ बैठने की व्यवस्था है, तो बैठेंगे तो बाद में, क्योंकि ब्लॉग शूट करना है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं हो पा रहा था। तो और यहाँ आगे चलेंगे थोड़े आगे, और यहाँ की सुंदरता काफ़ी सुंदर है, क्योंकि अभी दो तीन दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाया था, और मैं जॉब करता हूँ यहाँ, टाइम नहीं मिल पाया था। तो आज मैं आया हूँ यहाँ, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और वो सामने दिख रहा होगा, पीछे आपको दिखाऊंगा, ये मेट्रो लाइन है, तो ये 59 से होती हुई जाती है और 83 है, NFCZ वगैरह जाती है। तो और अभी इंतजार कर रहे थे इसका, और ये आ चुकी है, देखो मेट्रो पीछे आ रही है, पीछे दिख रही होगा आपके लिए। तो काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि और यहाँ नेचर की बात करूँ तो काफ़ी सुंदर है। काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई थी, तो ज़्यादा गर्मी थी, और कुछ दिनों से अभी बारिश हो गई है, तो काफ़ी मौसम अच्छा हो गया है, काफ़ी साफ़ मौसम हो गया है। तो यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं है और घूमने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो अभी शाम का टाइम है, तो सब लोग अपने जो घूमने आते हैं वो घूमने वाले आ चुके हैं, और मैं दूसरी साइड हूँ, तो आप पीछे देख रहे होंगे ये। तो यहाँ बैठने की व्यवस्था है और यहाँ से जाने की आगे की व्यवस्था है, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर व्यवस्था है। तो जितना मैं बताऊँ उतना तो कमी है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सुंदर पार्क है ये, ठीक है। और यहाँ पीछे बिल्डिंग है। दोस्तों काफ़ी देर हो चुकी है और अभी दोस्त आए थे मिलने, तो मिल के चले गए, और अब चलते हैं रूम पर, क्योंकि बहुत घूम लिया मैं, तो और पूरे पार्क में घूम चुका हूँ, और काफ़ी अच्छी जगह है, सुंदर जगह है, और काफ़ी मज़ा आया। और ये तो मतलब इंडियाटी पार्क था, और मेरा और कहीं जाने का प्लान है, वो सरप्राइज होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ चारों तरफ से, तो ये है, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, और ये सामने बिल्डिंग है। और यहाँ घास की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर घास हैं, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, और भाई साहब ये, और यहाँ हर जगह बैठने की व्यवस्था अच्छी है, और मतलब जितने भी मतलब फूल वगैरह होते हैं, ठीक है, वो भी हैं यहाँ, तो काफ़ी सुंदर लगता है, ठीक है। और यहाँ वाइब्स आती हैं, बिल्डिंग है आगे तो उसकी वाइब्स आती है, तो काफ़ी सुंदर लगता है। तो बहुत अच्छा लगा मिलकर भाई साहब, मिलते हैं और अगली बार, ठीक। दोस्तों हम आ चुके हैं गेट के बाहर, तो काफ़ी अच्छा लगा, और अब चलते हैं डायरेक्ट रूम पर। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है भाई साहब, देख सकते हैं। और मैं बात कर रहा था इंडिया टीवी पार्क, तो ये उसके जस्ट सामने ही है इंडिया टीवी, जो हम न्यूज़ देखते हैं। तो जो यहाँ एक ऑफिस बना हुआ है, काफ़ी बड़ा ऑफिस है। Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, the fire away. But I'm a heavyweight. Finally, दोस्तों मैं पहुंच गया रूम पर, और अब वीडियो एडिट करनी है और कल डालनी है। तो आई होप आपके लिए ब्लॉग पसंद आया होगा, और ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं अभी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।